जय हिंद बच्चों, मैं पूजा मौर्य आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सबका हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों आज से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम सेकेंड टर्म हिंदी नवनीत से। बच्चों आप सबको पेज नंबर 65 ओपन करना है। इस पाठ में वीर चेतक नामक एक कविता का वर्णन किया गया। इस कविता के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। तो बच्चों पहले मैं आप सबको इस कविता के बारे में कुछ बता देती हूँ। यह जो पाठ में कवि के द्वारा महाराणा प्रताप के वीर और स्वामी भक्त घोड़े चेतक, यानी चेतक कौन है? एक घोड़ा, जिसकी वीरता का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। बच्चों इस कविता को आपको लर्न करना है, यानी याद करना है, ठीक है? चलिए मैं आप सबको एक बार पढ़ के बताती हूँ, इसी प्रकार आप सब भी इस कविता को पढ़ेंगे। चल, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। बच्चों मैं आप सबको इस कविता का थोड़ा सा अर्थ बता दे रही हूँ संक्षेप में। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीज यानी बच्चों युद्ध के दौरान जब चेतक अपना चाल दिखाता था तो सभी उसे देखकर क्या हो जाते थे? हैरान हो जाते थे। राणा प्रताप का यह घोड़ा इतना तेज भागता था कि वह हवा से भी तीव्र गति में उसकी चाल थी। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, मतलब बच्चों कभी भी राणा प्रताप ने अपने घोड़े पर कोड़े से वार नहीं किया, वह कभी भी उसे कोड़े से नहीं मारते थे। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, मतलब बच्चों अरिमस्तक यानी वह शत्रुओं पर एकदम आतंक बनकर कूद पड़ता था और वह इतना तीव्र गति से दौड़ता था कि और उसकी ऊँचाई इतनी ज़्यादा, जब वह कूदता था तो वह आसमान को भी छू देता था। जो तनिक हवा से बाघ ले लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब बच्चों इतना उसकी गति, मतलब वह इतना तेज था, इतना उसकी हर चीज़ में उतनी तीव्रता रहती थी कि राणा प्रताप अभी सोचते ही थे कि अभी मुझे ये करना है, तब तक तो घोड़ा उनकी बात को समझकर वह खुद कर लेता था, जैसा वो चाहते थे वह उनके मन के भावों को भी समझ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। तलवार युद्ध के दौरान क्या क्या होता है, मतलब तेज युद्ध में सारे लोग तलवार से एक दूसरे पे वार करते हैं, उस दौरान भी घोड़ा बीच से लोगों को खदेड़ते हुए निकल जाता था और वह किसी के भाले या किसी की तलवार किसी से भी वह डरता नहीं था, वह बहुत ही निर्भीक था। चलिए बच्चों अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। बच्चों इन पंक्तियों में कहा गया है कवि कह रहे हैं कि है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह इतनी तेज भागता था कि अभी वो यहाँ दिखता था, थोड़ी देर बाद पलक झपकती वह वहाँ से गायब हो जाता था, और थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, मतलब बच्चों कब वह किस शत्रु पर वार कर देगा यह कोई नहीं जानता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। वह बड़ी जैसे नदी की लहरें उफनती हैं ना, आगे बढ़ती जाती हैं बिना ठहरे हुए, उसी प्रकार यह चेतक भी बिना ठहरे हुए आगे बढ़ते ही जा रहा था। विकराल विकराल मतलब बच्चों भयंकर,
भयंकर वज्रमय, वज्रमय यानी कठोर पत्थर के समान इसका जो शरीर था वह विकराल था और वह कठोर था, पत्थर के समान था। अरि की सेना पर, जो अरि यानी शत्रु की सेना पर वह तुरंत आक्रमण कर देता था। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। वह शत्रु पे जब आक्रमण करता था तो किसी का भाला गिर जाता था, है ना, और किसी का तरकश गिर जाता था, और वह अपने टापों से यानी अपने पैरों की जो उसके चलने का जो आवाज़ होता था उसकी टापों के खनखनाहट से ही उसका सभी के अंग क्या होते थे, हिल जाते थे, मतलब सब डर जाते थे। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, मतलब बच्चों जितने भी दुश्मन रहते थे वहाँ पर युद्ध के दौरान वे सभी उस घोड़े को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। इस घोड़े का ऐसा ही रंग था, मतलब यह घोड़ा ऐसा था, अद्भुत था कि उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते थे। तो बच्चों आप सबको यह कविता अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।